हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास है मैक्सलिंक का T3L एंड्रॉयड कार स्टीरियो और इस वीडियो में बताऊंगा आपको इस T3L एंड्रॉयड कार स्टीरियो में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए टी लिंक एप्लीकेशन आप किस टाइप से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टी लिंक एप्लीकेशन नहीं है एप्पल कारप्ले और ऑटो एंड्रॉयड के लिए। और वीडियो के एंड में आपको चेक करके दिखाऊँगा एंड्रॉयड ऑटो को इसमें कनेक्ट करके। मैं यहाँ पर टी लिंक एप्लीकेशन अपने पेन ड्राइव में रखा हुआ हूँ और पेन ड्राइव को यहाँ पर कनेक्ट रखा हुआ हूँ और टी लिंक एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, पेन ड्राइव की लोकेशन में जहाँ पर मैं रखा हूँ वहाँ पर से डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टी लिंक इस एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देन इस प्रोसेस को फॉलो करना। यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ध्यान रखना टी लिंक एप्लीकेशन जो है सारे प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें इसके लिए चिप डली हुई होती है उसी प्लेयर में इंस्टॉल होकर एक्टिवेट होगी, नहीं तो एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो इसमें ऑलरेडी चिप डली हुई है इसके लिए और यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। देन मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो रही है टी लिंक और यहाँ पर नॉट एक्टिवेटेड का एरर आया था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिवेट सक्सेस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसके लिए चिप डली हुई होती है, सारे प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। और मैंने ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्ट रखा हुआ था और डेट एंड टाइम की भी सेटिंग थी, इसीलिए ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गई। देन अब मैं यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो को इस प्लेयर से कनेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए आपको ओरिजिनल डेटा केबल का यूज करना है, फ़ोन की ओरिजिनल जो केबल आती है डेटा केबल, उसको यूज करना है इससे कार एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने के लिए। आप आईफोन के साथ कारप्ले को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन को रखा हूँ, ये ओरिजिनल केबल एंड्रॉयड फ़ोन की, तो एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये फ़ोन एंड्रॉयड 12 है तो इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं फ़ोन की डेटा केबल को 4.USB के साथ एंड्रॉयड से कनेक्ट किया हुआ हूँ और इसकी दूसरी एंड को मैं फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टिंग आ रही है। देन आपको यहाँ पर बीच की ऑप्शन एंड्रॉयड ऑटो ट्रांसफ़र फाइल, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका ये ऑटो एंड्रॉयड कनेक्ट भी हो सकती है। यहाँ पर आप अलाउ कर लो, यदि कनेक्ट नहीं हुई, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन इसकी हट चुकी है, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर लेना USB डिबगिंग। ऑलवेज पर टिक कर दो, देन अलाउ पर क्लिक करो। फिर आपको एंड्रॉयड कार स्टीरियो में क्या करना है, सारे टास्क को क्लियर करना है एंड्रॉयड कार स्टीरियो की, तो आपको होम बटन के जो राइट में बटन है इस पर क्लिक करके सारे टास्क को क्लियर कर लेना है। देन आपको टी लिंक एप्लीकेशन ओपन करना है। टी लिंक एप्लीकेशन आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से आपको सेम ऑटो एंड्रॉयड और ट्रांसफ़र फाइल को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुकी है और उसकी इंटरफेस भी ओपन हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो, और इसकी ये होम पेज। ध्यान रखना ये टी लिंक सारे प्लेयर में एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, यदि आपका फैक्ट्री डेटा रीसेट के बाद टी लिंक हट गई है और इसके लिए इसमें चिप दी हुई है तभी एक्टिवेट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। थैंक यू।